कांवड़ मार्गों पर अब नाम लिखना जो है वो जरूरी बताया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार का ये आदेश आया है। पहले तो जब मुजफ्फरनगर पुलिस ने इस बयान को आदेश को जारी किया था, तब कांग्रेस के जो सांसद है इमरान मसूद ने उस बयान को तुगलकी फरमान बताया था, लेकिन अब उस पूरे फॉर्मूले को उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया। तो ऐसे में इमरान मसूद की क्या कुछ प्रतिक्रिया, बातचीत करने के लिए खुद इमरान मसूद हैं सांसद हमारे साथ, क्या प्रतिक्रिया है आपकी जो आदेश दिया है सरकार ने? देखिए, पूरी तरह से असंवैधानिक है, समाज के अंदर बांटने वाला है, लेकिन इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सब लोग कांवड़ वालों की उसी तरह सेवा करते हैं जैसे सेवा करेंगे करते थे, उसी तरह से सेवा करेंगे, कांवड़ यात्रियों का उसी तरह से सम्मान करेंगे, और कांवड़ यात्रियों पर भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो एजेंडा चलाना चाह रहे हैं, ये देश को एजेंडा मंजूर नहीं। ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलकर के भाई भाई की तरह रहते और रहते रहेंगे, उस एजेंडे को नहीं चला पाएंगे। इमरान मसूद ने पिछले साल भी कांवड़ियों की सेवा की थी, शिविर में जा गए तो। हर साल हमेशा जब तक दम में दम है तब तक, वो कोई ऐसा नहीं है। हम दूसरे का आस्था का सम्मान करेंगे तभी लोग हमारी आस्था का सम्मान करेंगे। सरकार के इस फैसले से विपक्ष तो हमलावर है ही सरकार पर, लेकिन जो सहयोगी दल है एनडीए के आरएलडी, वो भी कहीं ना कहीं इस फैसले को लेकर सरकार पर उंगलियां उठा रही है। ये बेकार की बात है, अगर सरकार के फैसले पर उठा रहे हो तो इस्तीफा दे के बाहर आ जाओ। ये क्या बात हो गई कि आप उनके फैसले का विरोध भी करोगे, रहोगे भी साथ? तो आप, अगर आपके अंदर नैतिकता है तो आप बाहर आओ। इमरान जी, जो असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उनका जो बयान आया 2041 तक असम जो है बहुसंख्यक हो जाएगा, उसमें तो उस पर आपकी, देखिए वो मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति है, उसको मनोरोगी है, उसको चिकित्सक की ज़रूरत है कि उसको किसी अच्छे चिकित्सा अधिकारी को दिखाना, चिकित्सक को दिखाना चाहिए जो मनोचिकित्सक देख करके उन्हें बता सके कि उनकी मनोस्थिति क्या है। वो हर वक्त ऐसा ही बोलते हैं। क्या मकसद होगा उनका इस बयान के? कोई मकसद नहीं है उस आदमी को, मकसद को पता ही नहीं, उसको नहीं पता कि वो बोल क्या रहा है। जिस आदमी को ये ना पता हो कि मैं बोल क्या रहा हूँ तो उसके बारे में क्या बात कहूँ। अच्छा, जो सरकार का जो फैसला आया है इसको, हालांकि अभी हमने सहारनपुर में बातचीत की थी लोगों से भी, एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोगों ने नाम लिखना शुरू कर दिया है। भाई जब आप फोर्सफुली कहोगे तो लिखेंगे, गरीब आदमी क्या पुलिस के डंडे के सामने रुकेगा, लिखेगा? मुजफ्फरनगर में भी एक होटल से 4 मुस्लिम समुदाय के लोगों को नौकरी से निकालने की खबर सामने आई थी। अरे भाई, अभी ये मुसलमान के लिए लिख रहे हैं, कल को ये जातियों पर आ जाएंगे कि जाति लिखो इसके ऊपर, हैं फिर जातियाँ लिखवाएंगे ये लोगों से। अब जिस फल किसके फल में से आम टूट कर आ रहा है और आम के ठेले पे तुमने नाम लिखवा दिया, तो फल वाले का नाम भी तो लिखवाओ कि फलाने के बाग में से आया, टूट करके नहीं आया। कल को आप जातियाँ लिखवाओगे कि इन पे जातियाँ भी लिखो कि फला जाति के वालों से ही लेना है, फला जाति वालों से नहीं लेना है। तो ये तो अंतहीन सिलसिला है इनका बाँटने का, इस बाँटने के सिलसिले को कहाँ तक चलाएँगे पता नहीं। तो इमरान मसूद सरकार के इस आदेश को बांटने का सिलसिला बता रहे हैं, साथ ही साथ कहीं ना कहीं हमलावर भी जरूर है योगी सरकार के उस आदेश के ऊपर। टीम 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।